सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे तुर्की और ग्रीस के दो सबसे बड़े स्टेडियम के बारे में। दोस्तों ये स्टेडियम इन दो कंट्रीज के सबसे बड़े कैपेसिटी रखने वाले स्टेडियम है। तो आज हम इस वीडियो में तुर्की और ग्रीस के लार्जर स्टेडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एथेंस ओलंपिक स्टेडियम, ये स्टेडियम ग्रीस का एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है। ये स्टेडियम एथेंस ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक पार्ट है। इस स्टेडियम का पुराना नाम स्पायरोस लुइस था, जो कि 1896 के फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट स्पायरोस लुइस के नाम पर रखा गया था, और स्टेडियम को ओलंपिक एथलेटिक ऑफ एथेंस भी कहा जाता है। स्टेडियम 8 सितंबर 1982 को बनाया गया और 2002 से 2004 में रिनोवेशन का काम किया गया, जिसके लिए कुल लागत 212 करोड़ रूपए आई थी। स्टेडियम ने 2004 में समर ओलंपिक को भी होस्ट किया था। स्टेडियम में 75,000 की बैठने की क्षमता है, और 3 सितंबर 2010 को 82,662 स्पेक्टेटर की स्टेडियम में अटेंडेंस थी, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा अटेंडेंस थी। स्टेडियम में रिनोवेशन के बाद 105x68 मीटर फुटबॉल फील्ड बनाई गई, 9 लेंस का 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया, 2 सर्कल 4 डिस्कस थ्रो, 6 लेंस फॉर लॉन्ग जम्प एंड ट्रिपल जम्प, 2 मैट्रेसेस फॉर हाई जम्प एंड 2 इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड का काम किया गया था। स्टेडियम में हर तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज अवेलेबल है। एथेंस स्टेडियम एई के एथेंस, ओलंपियाकोस, पानाथिनाइकोस, ग्रीस नेशनल फुटबॉल टीम के होम ग्राउंड के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम, अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम तुर्की का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अतातुर्क स्टेडियम इस्तांबुल में आइकेतली के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अतातुर्क स्टेडियम मुल्क का सबसे बड़ा कैपेसिटी रखने वाला स्टेडियम है। स्टेडियम का नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की के फाउंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन 1999 में शुरू हुई और 2002 में स्टेडियम कम्प्लीट हुआ। ओरिजिनल स्टेडियम को 2008 ओलंपिक गेम्स के लिए बनाया गया था, मगर बोली नाकाम हो गई, जो अल्टीमेटली बीजिंग चाइना को दी गई। अतातुर्क स्टेडियम पर लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत आई थी। स्टेडियम में 75,000 दर्शक बैठने की क्षमता है, और 31 जुलाई 2002 को गलाता सराय एंड ओलंपियाकोस के मैच के दिन 79,414 स्पेक्टेटर की अटेंडेंस थी, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा अटेंडेंस थी। स्टेडियम में 25 जुलाई 2005 को यूईएफए कप का फाइनल खेला गया, और 2023 में यूईएफए चैंपियंस के फाइनल की मेजबानी करने वाला है। अतातुर्क स्टेडियम गलाता सराय को 2003 से 2004 तक, इस्तांबुल बसाकशेहिर को 2007 से 2014 तक, कासिम पाशा को 2007 से 2008 तक, बासिकतास को 2013 से 2016 तक रिप्रेजेंट करता था, और फाते काले गुमरुक टीम को एंड तुर्की नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।